अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम समन्वयक नवीन शर्मा ने शिरकत की। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने मुख्य अतिथि का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया, तो खिलाड़ियों ने भी मार्च पास कर सलामी दी। खिलाड़ियों ने खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले 390 खिलाड़ियों को इनाम दिए गए। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम समन्वयक नवीन शर्मा ने शिरकत की। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कॉलेज के सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने मुख्य अतिथि का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया, तो खिलाड़ियों ने भी मार्च पास्ट की सलामी दी। खिलाड़ियों ने खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले 390 खिलाड़ियों को इनाम दिए गए। डिग्री कॉलेज सालाना खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के द्वारा लंबी कूद, ऊंची कूद के अलावा बाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नवीन शर्मा ने कहा कि पिछले 6 दिनों से हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1200 छात्रों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और छात्रों को खेल मैदान तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कॉलेज प्रशासन के द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत हुई प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया गया है। आज हमीरपुर कॉलेज के अंदर जो है वो एनुअल एथलेटिक मीट यहाँ पर संपन्न होने जा रही है, और इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 1200 बच्चों ने जो है वो इस एथलेटिक मीट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। 6 दिन तक जो है वो सारे इवेंट यहाँ पर चले और 390 बच्चों को जो है वो आज उसमें प्राइज मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए जो इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं पवन वर्मा जी, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम अंजू जी, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने अपनी तरह का ये पहला प्रयास जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये किया है कि जिसमें 6 दिन तक जो है वो डिफरेंट तरह की प्रतियोगिताएं जो है वो चली और उसमें 1200 से अधिक बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया, चाहे वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थे या नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को जो है वो खेल के मैदान तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है जो इस कॉलेज के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सभी प्रचारक के द्वारा, यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा किया गया। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत जो है वो इस देश का हर युवा, हर नागरिक जो है वो फिट रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि ये जो प्रतियोगिता है ये फिट इंडिया मूवमेंट से जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ती है। पूरे कार्यक्रम या पूरे इवेंट की जो थीम थी, हम भी नशे के खिलाफ, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी थीम थी। और आज हम देखते हैं कि युवा जो है वो नशे की गर्त में जा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, चाहे सरकारें हों, प्रशासन हों, सब जो है वो इस नशे की जो समस्या है इससे जो है वो परेशान है। तो आज इस कॉलेज के द्वारा जो है वो हम भी नशे के खिलाफ ऐसे जो है वो एक अभियान के तौर पर यहाँ पर चलाया गया और उसमें बहुत सारे नंबर पे जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी नशे के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन अपने हाथ में लिया है। अभी हाल में ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है प्रदेश के अंदर जो है वो नशा नियंत्रण बोर्ड जो है वो स्थापित किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, ताकि जो इस प्रदेश के अंदर जो है वो नशे की रोकथाम हो, हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो युवा नशा करें और नशे के से दूर रहें। तो इसके लिए भी बहुत बड़े प्रयास जो है वो हमारी सरकार कर रही है। तो आज इस कॉलेज के सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन जी को इस इवेंट के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ।